अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वकार क्रिकेट शो आपके साथ। पीएसएल 2023 के आठवें एडिशन के हवाले से बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट से शेयर करने जा रहा हूं। बांग्लादेश के सुपरस्टार ऑलराउंडर शाकिब उल हसन पीएसएल 8 से दस्तबरदार हो चुके हैं। क्यों वो पीएसएल से दस्तबरदार हुए हैं और उनकी जो रिप्लेसमेंट है वो भाई पिशावर जलमी ने ले लिया है, इसको तगड़ी रिप्लेसमेंट कहा जा रहा है। तो किस प्लेयर को पिशावर जलमी ने रिप्लेसमेंट के तौर पर लिया, तो ये तमाम अपडेट्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो जी हाँ दोस्तों, पिशावर जलमी को शाकिब उल हसन ने पहले ज्वाइन किया था। पिशावर जलमी ने शाकिब उल हसन को जो उनकी सप्लीमेंट्री की एक पिक बाकी रह गई थी, उस पिक के अंदर शाकिब उल हसन को पिक किया था और शाकिब उल हसन ने पिशावर जलमी के लिए सिर्फ एक ही मैच खेला था, उसके बाद उनको फिर ड्रॉप भी कर दिया गया था। लेकिन अब वो पीएसएल छोड़कर इस वक्त चले गए यूएसए के अंदर। आप हैरान होंगे कि भाई यूएसए क्यों गए, उनको तो बांग्लादेश जाना चाहिए था। भाई उनकी फैमिली के कुछ मतलब इश्यूज हैं जिस वजह से वो गए हैं यूएसए के अंदर। अपनी फैमिली का कोई उनका मसला चल रहा है जिस वजह से वो फैमिली को ज्वाइन कर चुके हैं यूएसए के अंदर। और अब क्या शाकिब उल हसन वापस आएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन जो उनकी रिप्लेसमेंट ली गई है पेशावर जलमी ने ली है, अफगानिस्तान के अजमतुल्ला उमर जई को पेशावर जलमी ने शाकिब उल हसन की रिप्लेसमेंट के तौर पर अपने स्क्वाड का हिस्सा बनाया। शाकिब उल हसन कब आएंगे? शाकिब उल हसन तब आएंगे जब पेशावर जलमी, अगर पेशावर जलमी क्वालिफाई करती है प्लेऑफ के लिए, तो उस वक्त फिर पेशावर जलमी को शाकिब उल हसन यानी कि एंड में पीएसएल के दस्तयाब हो जाएंगे। अहमद शहजाद को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया, ऑप्शन मौजूद था, लेकिन बड़ी हडल थी मोहम्मद हारिस और साइम अयूब और टॉम कॉलर कैडमोर। बाबर आजम को आपको पता है कि वो तो बंदा पक्का खेलेगा ओपनिंग के ऊपर ही, लेकिन ये जो पीछे के तीन वाले हैं यहाँ पे जगह बनना बहुत मुश्किल होगा, जिस वजह से अहमद शहजाद की तरफ तवज्जो नहीं गई है जलमी की। अगर आपको अपडेट्स अच्छी लगे हो तो लाइक जरूर कर देना, ज्यादा पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब।